सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर। आज हम लोग सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है, कॉमन टू ऑल दी ब्रांचेस, जिसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके ऑलरेडी हम लोगों ने दो प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, जिसके वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाके वो वीडियोस देख लीजिए ना। तो आज बेसिकली हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 देखने वाले हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का, है ना। इसका स्टेटमेंट एकदम सिंपल सा है, मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स के लिए पूछा हुआ प्रॉब्लम है ना। ड्रॉ द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ द पिक्टोरियल व्यू एज शोन इन फिगर, है ना। ये डायग्राम हम लोग को दिया हुआ है, इसका हम लोग को फ्रंट व्यू और टॉप व्यू निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, और डायरेक्शन ऑफ एक्स ये है, मतलब इस डायरेक्शन से हम लोग को इस ऑब्जेक्ट को देखना है। इधर से देखने के बाद जो भी हम लोग को दिख रहा है वो फ्रंट व्यू होता है, वो हम लोग को ड्रॉ करना है, और इसका टॉप व्यू ड्रॉ करना है, मतलब इसी साइड से हम लोग अगर ऊपर से जाएंगे और ऊपर से हम लोग इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तब हम लोग को जो भी ऑब्जेक्ट दिखेगा उसका वो हम लोग को व्यू ड्रॉ करना है, जिसको हम लोग टॉप व्यू बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन से हम लोग को ये ड्रॉइंग कंप्लीट करनी है। तो चलो सब में पहले स्टार्ट करते हैं फ्रंट व्यू से। तो फ्रंट व्यू में हम लोग को इस ऑब्जेक्ट में क्या क्या दिखेगा सब में पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। तो देखो इस डायरेक्शन से हम लोग देख रहे हैं, इस डायरेक्शन से हम लोग देख रहे हैं, तो इस डायरेक्शन से देखेंगे तो सब में पहले बॉटम से हम लोग को ये सर्कल दिखेगा। देखो सेमी सर्कुलर पोर्शन दिखने वाला है ना, और ये सर्कुलर होल है, इसके अंदर ये चीज दिखने वाली है हम लोग को, मतलब ये सेमी सर्कुलर पोर्शन हम लोग को पूरा दिखने वाला है। ये सारा पोर्शन हम लोग को दिखेगा जो मैंने हाईलाइट कर दिया, ये वाला पोर्शन दिखेगा इस फेस से हम लोग को फ्रंट व्यू में, है ना। और क्या दिखने वाला है हम लोग को, ये वाला फेस नहीं दिखेगा, ये वाला फेस हम लोग को टॉप व्यू में दिखने वाला है, ये वाला फेस भी टॉप व्यू में दिखेगा, ऊपर से दिखेगा ये वाला फेस, ये तीनों रेक्टेंगल ऊपर से दिखेंगे, ये वाला रेक्टेंगल भी दिखेगा। इधर से क्या दिखने वाला है, ये वाला फेस दिखेगा, देखो है ना, यहां से ये वाला जो फेस है ये वाला फेस हम लोग को दिखेगा। देखो ये 18 है, ये 22 और ये 18, है ना। तो ये वाला फेस हम लोग को यहाँ पे दिखने वाला है, ऐसा एच शेप का ये फेस दिखने वाला है, ये वाला एक पोर्शन दिखने वाला है जो मैंने हाईलाइट किया। देखो तो फ्रंट में हम लोग को ये वाला एक पोर्शन दिखेगा जो शेडेड है रेड कलर में, और ये वाला पोर्शन दिखेगा। इसके अलावा कोई भी पोर्शन हम लोग को इस वाले डायरेक्शन से फ्रंट में दिखने वाला नहीं है। तो चलो तुरंत इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट व्यू को ड्रॉ करना स्टार्ट करने से पहले सब में फर्स्ट क्या करेंगे, मतलब हमारी जो भी ड्रॉइंग बुक है, ड्रॉइंग बुक के पेज पे हम लोग क्या करेंगे, एग्जैक्टली सेंटर में हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे जो रहेगी हमारी एक्स वाई लाइन, है ना। यहाँ पे एक्स वाई लाइन ड्रॉ करना है, मीडियम थिकनेस की होनी चाहिए लाइन, ज्यादा डार्क नहीं, ज्यादा फेंट नहीं, ठीक है। अब इससे क्या करना है, इससे 1 सेंटीमीटर ऊपर और 1 सेंटीमीटर नीचे ऐसे दो लाइंस आपको ड्रॉ कर देने, जो कि बहुत ही फेंट लाइन होगी, है ना। जो नीचे मैंने फेंट लाइन ड्रॉ की है, इस यहां से हमारा टॉप व्यू स्टार्ट होगा, है ना, और जो ऊपर मैंने 1 सेंटीमीटर पे लाइन ड्रॉ की है एक्स वाई लाइन से एकदम फेंट लाइन, यहां से मेरा फ्रंट व्यू स्टार्ट होगा, इसके ऊपर मेरा फ्रंट व्यू रहेगा, ठीक है। इस लाइन को, मिडल वाली लाइन को हम लोग नाम दे देंगे एक्स वाई लाइन, ठीक है, ओके। अब यहां से हम लोग हमारा फ्रंट व्यू स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रंट व्यू स्टार्ट करने से पहले यहां पे हम लोग डायमेंशंस देख लेते हैं। देखो जो बड़ा वाला सर्कल, इसका रेडियस है 25, मतलब इसका विड्थ रहेगा 50, है ना। और यहां पे देखो, यहां पे हम लोग को ये विड्थ दिया है, यहां पे अगर आप देख रहे हो प्रॉपरली तो यहां पे जो ऊपर वाला पोर्शन है उसका विड्थ हम लोग को दिया है। देखो मिडल वाले पोर्शन का विड्थ कितना है, 38 है ना, ये 38 है, और इसके अलावा जो इधर आ गया है ये पोर्शन यहां पे अंदर दिया, देखो मैंने हाईलाइट किया है यहां पे, अभी देखो यहां से इतना जो पोर्शन है ये कितना है, 18 है, यहां पे दिया हुआ है डायमेंशन, है ना, और ये भी कितना है, 18 है ना। तो मतलब ये 18 प्लस 18 और ये 38, मतलब ये 18 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 36, है ना, 36 प्लस 38, है ना, तो 36 प्लस 36 72 होते हैं, 72 प्लस 2 मतलब 74 हो जाएगा। ये टोटल इसका लेंथ कितना है, 74 है ना, तो ये 74 है, 18 प्लस 18 प्लस 38, है ना, तो ये 74 है, और ये देखो इसका विड्थ कितना है, इसकी रेडियस है 25, तो इसका डायमीटर कितना रहेगा, 50, मतलब ये कितना है वाइड, ये 50 है। सब में पहले क्या करेंगे, इसका सेंटर लाइन बनाएंगे हम लोग, देखो है ना। तो अभी यहां से हम लोग क्या करेंगे, सेंटर लाइन बनाएंगे, और सेंटर लाइन देखो क्या करना है हम लोग को, हम लोग को ऐसे ड्रॉ करना है फ्रंट व्यू हमारा, कि ये जो बॉटम पोर्शन है ये हम ये टच करना चाहिए कहां पे, इस वाले लाइन पे जहां से हम लोग ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करने लगे, ये वाली लाइन है ना, एक्स वाई लाइन के ऊपर वाली लाइन, यहां पर हमारा ये वाला पोर्शन टच होना चाहिए ना। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां से एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे, देखो अब इतना डिस्टेंस होना चाहिए कि 74 है, 74 का हाफ मतलब इधर 38 इधर इधर होने चाहिए अपने ना। सो लेफ्ट साइड में थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के, है ना, अप्रोक्सीमेटली देखो लेफ्ट साइड में 40-50 mm डिस्टेंस छोड़ के मैं यहाँ पे बीच में एक सेंटर लाइन ड्रॉ करूंगा, है ना, और ये सेम सेंटर लाइन को मैं क्या करूंगा, फॉरवर्ड करूंगा टॉप व्यू में भी, ताकि टॉप व्यू बनाते टाइम मुझे आसानी हो जाए, है ना। सेंटर लाइन कैसी होती है, लॉन्ग लाइन और एक डॉट लाइन, छोटी सी लाइन होती है डॉट जैसी, है ना, तो लॉन्ग लाइन डॉट लाइन मीडियम थिकनेस की लाइन होती है बेसिकली, है ना, ज्यादा डार्क नहीं बनाना है ना, ज्यादा फेंट बनाना है इसको सेंटर लाइन को, है ना। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने सेंटर लाइन बना ली है,
अब मुझे यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट यहाँ से मेरा स्टार्ट होना चाहिए, है ना। ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट होने के लिए इसका रेडियस कितना है, रेडियस है 25। देखो ये वाला जो सेमी सर्कल है बड़ा वाला, इसका रेडियस है 25, और अंदर वाला जो सर्कल है इसका डायमीटर दिया 5। इसको क्या पढ़ते हैं, इस सिंबल को 5 पढ़ते हैं, 5 मतलब डायमीटर, डायमीटर 26 है, मतलब इसका रेडियस कितना रहेगा 13, है ना। तो ये सेंटर पे मुझे पहुंचना है, तो यहां से इसका रेडियस कितना है, इसका 25, यहां से इतना डिस्टेंस कितना रहेगा 25, तो सेंटर लाइन से ऊपर 25 पे मुझे सेंटर मिल जाएगा इसका, ये दोनों सर्कल का, ये 26 वाले डायमीटर वाले और ये 25 वाले रेडियस वाले, दोनों सर्कल का सेंटर मुझे इधर यहां से 25 पे मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं मेरे सेंटर लाइन पे यहां से 25 पे जाऊंगा। देखो यहां से मैं क्या करूंगा, 25 mm पे, देखो यहां पे 20 है, 25 mm यहां पे मिल गया मुझे, है ना। तो 25 mm पे सेंटर है, तो जहां पे सेंटर है वहां से मैं क्या करूंगा, एक सेंटर लाइन बना दूंगा छोटी सी, है ना, एक सेंटर लाइन बनाऊंगा हॉरिजॉन्टल छोटी सी, क्योंकि जहां पे भी आप सर्कल बनाते हो वहां पे दो सेंटर लाइन आपको बनाना जरूरी होता है, ताकि आपको आप सेंटर वहां पे लोकेट कर सको। अब ये सेंटर है, अब यहां पे देखो, यहां पे सब में फर्स्ट क्या है हमारा, एक बड़ा सा सेमी सर्कल आने वाला है ना, जिसका सेंटर कहां पे, सेंटर यहां पे है और रेडियस है 25, जो ऑलरेडी हम लोगों ने यहां पे लिया ये 25 है, तो ये 25 रेडियस का हम लोग क्या करेंगे, यहां पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, है ना। तो यहां पे एक सेमी सर्कल आ जाएगा ऐसे, देखो यहां पे एक सेमी सर्कल आ गया। अब इसके अंदर हम लोग को और एक सर्कल दिख रहा है जिसका डायमीटर कितना है 26, मतलब रेडियस कितनी रहेगी 13 mm, है ना। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, 13 mm का रेडियस ले लूंगा, तो यहां पे मैं 13 mm का रेडियस ले लिया, 13 mm का रेडियस लेके मुझे क्या करना है, इसे सेंटर पे रखना है और पूरा सर्कल ड्रॉ करना है ना। अंदर वाला सर्कल कैसा है, कंप्लीट है, फुल सर्कल है, तो यहां पे मुझे पूरा सर्कल ड्रॉ करना है, देखो प्रॉपरली इसको रखना है ना, और पूरा सर्कल मुझे कंप्लीट करना है यहां पे, नीचे वाला हाफ सर्कल था और अंदर वाला क्या है, सेमी सर्कल है ना। तो यहां पे कंप्लीट सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, ये कंप्लीट सर्कल हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। तो देखो यहां पे ये वाला पोर्शन हमारा यहां तक कंप्लीट हो गया। अब यहां से ऊपर लाइन कितनी है, देखो 25, देखो हाइट दिया इसका है ना, यहां से ऊपर जो स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, कहां तक है 25 तक, फिर इसको क्लोज करना है ना। तो वही हम लोग को करना है, यहां से 25 mm ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, ड्राफ्टर को प्रॉपरली सेट करना है ना, और 25 mm ऊपर तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी हमारी, देखो यहां से 25 mm मतलब यहां तक, देखो 25 mm तक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है यहां से, ये 25 mm, और इधर भी 25 mm तक लाइन मुझे ड्रॉ करना है, देखो ये भी 25 mm के लाइन ड्रॉ किया। अब यहां पे इसको क्लोज कर देना, जैसे कि हम लोग को दिख रहा है डायग्राम में ये क्लोज है यहां पे, तो यहां पे हम लोग इसको क्लोज कर देंगे, देखो तो इस तरह से ये वाला पोर्शन मैंने बना लिया जैसे आपको दिख रहा है। अब ऊपर वाले पोर्शन की बारी है, ऊपर वाले पोर्शन में देखो ये जो मिडल पार्ट है हमारा, जो एच हम लोग को दिखने वाला है, इसकी हाइट कितनी है, सब में पहले हम लोग को ये पोर्शन कितना है, देखो इधर से 18 है, इधर से 18 है, और बीच में कितना है 38 है ना। तो देखो तो टोटल कितना होगा हमारा, ये 18 प्लस 18 36 और 36 72 होता है, 72 प्लस 2 मतलब 74 है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 74 का हाफ कितना होगा, 70 का हाफ होता है 35 है ना, और 4 का हाफ होता है 2 तो 37 है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे सेंटर से देखो यहाँ पे, अब ऊपर हम लोग को ड्रॉ करना है, तो इसे सेंटर में, सेंटर से क्या करना है 37 इधर है ना, 37 लेफ्ट में और 37 राइट में, ऐसे हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे, इस वाली लाइन को जो आप लोग को दिख रही है ना, ये वाली लाइन मुझे ड्रॉ करना है अभी यहाँ से यहाँ तक है ना। ये टोटल कितना है, ये 74 है, हम लोगों ने कैलकुलेट किया ना अभी, 18 और ऊपर 30 है, तो ये टोटल 74 है। 74 का हाफ कितना होगा, कैल्सी का यूज़ करो, 74 का हाफ कितना होगा 37, अब ये सेंटर लाइन से 37 इधर 37 इधर मुझे ड्रॉ करना है ना, वही मैं यहाँ पे अभी ड्रॉ करने वाला हूँ। देखो एग्जैक्टली 37 पे मैंने इसको सेट किया, देखो सेंटर लाइन 37 पे आनी चाहिए यहाँ पे है ना, अभी इस वाली लाइन को मैं इधर ड्रॉ करूंगा यहाँ से, देखो 37 है ना, और आगे कहाँ तक आएगी, 74 तक है ना, तो ये 74 मतलब इधर 37 छोड़ा मैंने, इधर 37 छोड़ा, ओके। ये वाला बेस लाइन कंप्लीट हुआ है अपना, ये वाला लाइन कंप्लीट किया हम लोगों ने अभी, देखो यहाँ से यहाँ तक का लाइन कंप्लीट किया। अब इसका हाइट ऊपर, इसका हाइट कितना, इसका हाइट हम लोग को यहाँ पे दिया है पीछे, देखो ये 12 है, ये 12 है मतलब ये भी 12 है, दोनों का हाइट सेम है 12, तो ऊपर 12 जाना है हम लोग को, फिर इधर कितना आना है 18, देखो यहाँ से 18 यहाँ से 18 है ना। तो देखो यहाँ से ऊपर 12 जाना है, फिर अंदर 18 आना है, यहाँ पे भी देखो ऊपर 12 जाना है, अंदर कितना आना है 18, यहाँ पे दिया है 18 और 18 ठीक है। तो अभी देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर 12 mm की लाइन ड्रॉ करने वाले हैं, देखो यहाँ से हम लोग ऊपर 12 mm की लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे 12 mm है ना, और यहाँ से भी 12 mm ऊपर हम लोग को लाइन ड्रॉ करना है
ये आ गया हमारा 12 mm, ओके। और फिर अंदर कितना आना है, 18 mm, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से मैं 18 mm अंदर लेता हूँ, ये आ गया मैं 18 mm अंदर, यहाँ तक 18 mm तक पहुँच गया मैं, ठीक है, ये 18 mm आ गया। अभी इधर से भी मुझे वही करना है, 18 mm तक अंदर लेना। देखो 18 mm पे इसको सेट करो प्रॉपरली, 18 mm पे आ गया, सेट हो गया। अब यहाँ से लाइन में ड्रॉ कर दूंगा, है ना, 18 mm अंदर, देखो 12 mm ऊपर, 18 mm अंदर, यहाँ से 12 mm ऊपर, इधर कितना 18 mm, है ना, यहाँ से 12 mm ऊपर, इधर कितना 18 mm, है ना। अब ये ऊपर कितना है, देखो यहाँ पे पीछे दिख रहा है अपने, हाइट कितनी है इसकी, 20 है, देखो यहाँ से यहाँ तक 20 है, ऊपर 20, इधर भी 20, इधर भी 20, तो दोनों साइड में ऊपर अपने को कितना लाइन ड्रॉ करना है, 20 mm का लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ से देखो, है ना, जैसे आपको दिख रहा है, यहाँ से मुझे कितने जाना है ऊपर, ऊपर 20 mm की लाइन ड्रॉ करना है, देखो। तो यहाँ से मैं 20 mm की लाइन ड्रॉ करूंगा ऊपर, ठीक है, और सेम वे इधर से भी मुझे क्या करना है, 20 mm की लाइन ड्रॉ करना है ऊपर, है ना, यहाँ से भी मैं 20 mm का लाइन ड्रॉ करूंगा ऊपर, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ तक आ गए हम लोग, देखो यहाँ से 20 पहुँच गए ऊपर, यहाँ से 20 पहुँच गए। अब ये इतना कितना है, ये 10 है, और इधर से भी कितना रहेगा, फिर 10 ही रहेगा, सिमेट्रिक है, ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक है, ये 10 है तो ये भी 10 रहेगा, और मिडल वाला कितना है, 18 है। मिडल वाला देखो, यहाँ पे देखो, अभी आपको दिख रहा है, ये 10 है, देखो यहाँ से 10 है, यहाँ से भी 10 रहेगा, ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक है, ये 10 है तो ये भी 10 रहेगा, और मिडल में कितना है, 18 है, है ना। सो मिडल में 18 है, यहाँ से अपने को नीचे जाना है। अभी देखो, अब ये नीचे कितना है ये नहीं दिया, लेकिन यहाँ से अपने को बोला है 22 है, ठीक है, ये हाइट अपना 22 है, तो नीचे से हम लोग 22 पे लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अभी देखो सब में पहले, अभी इधर से हम लोग कितना लेना है, 10 mm, और इधर से कितना लेना है, 10 mm, ठीक है। तो अभी देखो, अभी यहाँ पे इस वाले ऑब्जेक्ट में हम लोग को क्या करना है, यहाँ से 10 mm, देखो यहाँ से 10 mm हम लोग को इधर लेफ्ट में आना है, 10 mm, और यहाँ से भी 10 mm हम लोग को लेफ्ट में आना है, देखो यहाँ से भी 10 mm लेफ्ट में आना है, है ना। अब मिडल में जो बचेगा वो 18 रहेगा, ऑलरेडी देखो आ गया 18 अपना, है ना। अब यहाँ से नीचे कितना आना है, देखो बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन है, तो अभी यहाँ से नीचे कितना लेना है सर, यहाँ पे डायमेंशन नहीं दिया, नीचे कितना लेना है ना, नीचे कितना लेना है ये नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे देखो जो मैंने हाईलाइट किया ना, यहाँ से इतना इसका हाइट कितना है बोला, 22 mm, है ना, बॉटम से इसका हाइट कितना है, 22 है। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारे ड्राफ्टर का यूज़ करेंगे, है ना, क्या करेंगे, हमारे ड्राफ्टर पे 22 mm, यहाँ से देखो, यहाँ से 22 mm पे पॉइंट दे देंगे, देखो ये हमारी सेंटर लाइन को थोड़ा और आगे एक्सटेंड कर लेते हैं ना। अब देखो 22 mm यहाँ पे, 20 देखो 22 mm कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर दूंगा, हल्की सी हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है, हल्की सी हॉरिजेंटल लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से इसको क्या कर लूंगा, मैं ज्वाइंट कर लूंगा, ठीक है, यहाँ से इसको ज्वाइंट कर लूंगा। अब ऊपर से कितना है ये हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है, हम लोग को इसका डिस्टेंस नीचे से दिया है, यहाँ से कितना हाइट है इसका, 22 है, ये बताया, तो 22 पे ड्रॉ कर लेना है, सिंपल है कि नहीं। देखो दिख रहा है आप लोग को, ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू कंप्लीट, एज इट इज फ्रंट व्यू हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया है ना, समझ में आया। अब क्या करना है, अब ड्रॉ करना है टॉप व्यू, है ना। अब टॉप व्यू में हम लोग को क्या क्या दिखने वाला है, सब में पहले ये समझ लेते कि टॉप व्यू में दिखेगा क्या क्या, है ना। देखो तो टॉप व्यू में सब में पहले हम लोग को क्या क्या दिखने वाला है, देखो ये वाला पोर्शन दिखेगा, ये एच शेप जो पोर्शन है ये वाला दिखेगा, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। देखो तो ये जो एच शेप पोर्शन है ये दिखेगा हम लोग को, ये सी पोर्शन दिखेगा, और क्या दिखेगा, और ये वाला दिखने वाला, देखो ये वाला और ये वाला, देखो ये और ये दो पोर्शन दिखने वाले, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ये दो हम लोग को रेक्टेंगल दिखेंगे, ये वाला और ये वाला, है ना। अब ये जो मिडल वाला पोर्शन है ये भी हम लोग को ऊपर से दिखने वाला, देखो ऊपर से ये वाला पोर्शन भी दिखने वाला है, बीच में एक रेक्टेंगल है ना, ये वाला रेक्टेंगल है, इसको भी हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं, मिडल वाला रेक्टेंगल भी हम लोग को दिखेगा, और क्या दिखेगा, जैसा यहाँ पे ये सी शेप है वैसा ही सेम शेप यहाँ पे भी रहेगा। देखो यहाँ पे सिर्फ हम लोग को इसका एक फेस दिख रहा है जिसको हम लोग यहाँ पे हाईलाइट कर लेंगे, ये वाला शेप हम लोग को दिखने वाला है टॉप व्यू में, है ना। लेकिन सिर्फ ये इतना सा पार्ट है क्या, नहीं है, सिर्फ इतना पार्ट नहीं है। ऑलवेज कभी भी याद रखो, ग्राफिक्स के प्रॉब्लम में जो भी आपको डायग्राम दिया हुआ होता है वो सिमेट्रिक होता है, मतलब जैसा इधर है सेम इधर भी रहेगा। अब इधर हम लोग को दिख नहीं रहा है, ये इसके पीछे हम लोग को ये सी शेप दिख नहीं रहा है, लेकिन ऐसा ही सेम सी शेप, सी वाला शेप यहाँ पे भी रहेगा जो सेम डायमेंशन का रहेगा, ठीक है। तो इधर जैसा है वैसा ही सेम इधर भी ड्रॉ कर देना है हम लोग को, सिंपल वे में, है ना। और क्या दिखने वाला है ऊपर से हम लोग को, ऊपर से हम लोग को ये वाला फेस भी दिखेगा, देखो ये वाला फेस दिखेगा, है ना। तो ये वाला फेस दिखेगा हम लोग को, इसको भी हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। टॉप व्यू में हम लोग को ये वाला फेस दिखेगा, अब इसको हम लोगों ने हाईलाइट कर लिया है। तो अभी टॉप व्यू को ड्रॉ करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो टॉप व्यू को ड्रॉ करने के लिए सब में फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स के प्रोजेक्शंस
जितने भी एजेस है वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्शन लाइंस नीचे ट्रांसफर कर लेंगे टॉप व्यू में, है ना। तो सारे प्रोजेक्शन लाइंस हम लोग को यहाँ पे ट्रांसफर करना है। प्रोजेक्शन लाइंस आर दी वेरी फ्रंट लाइंस, है ना, एकदम फ्रंट लाइन रहेंगे, एकदम थिन लाइन रहेंगे। ये सारे फ्रंट लाइंस के प्रोजेक्शन हम लोग को नीचे ट्रांसफर कर लेना है टॉप व्यू में, ताकि हम लोग टॉप व्यू इजीली ड्रॉ कर सकें। तो हर पॉइंट के प्रोजेक्शन आपको यहाँ पे नीचे ट्रांसफर करना है। प्रोजेक्शन लाइंस अगेन आर वेरी वेरी फ्रंट लाइंस, वेरी वेरी थिन लाइंस। सारे पॉइंट के प्रोजेक्शन ट्रांसफर करने के बाद फिर हम लोग टॉपिक को ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, टॉपिक को कंप्लीट करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्शन हम लोगों ने यहाँ पे अभी ट्रांसफर कर दिए। ओके, तो अभी हम लोग को टॉप व्यू स्टार्ट करना है। तो टॉप व्यू हम लोगों ने देखा, यहाँ पे हम लोगों ने शेडेड करके रखा है कि टॉप व्यू में हम लोग को क्या क्या दिखने वाला है ना। तो टॉप व्यू में हम लोग को सबसे पहले 1, 2 और 3 ये तीन रेक्टेंगल्स दिखने वाले हैं ना। इसका जो विड्थ है आपको दिख रहा है ये 10 बाय, इसका जो विड्थ है वो कितना है 30 है ना, और ये 18 बाय 30 का रेक्टेंगल है, और ये लास्ट वाला ये भी अगेन ये 18 है, ये 10 है, टोटल 38 है, तो ये वाला भी कितना रहेगा 10 रहेगा ना। तो ये भी 10 बाय 30 का रेक्टेंगल है। तो ऐसे तीन रेक्टेंगल हम लोग को दिखेंगे, और इसके राइट साइड में हम लोग को इस और ये वाला सी पोर्शन हम लोग को यहाँ पे दिखने वाला है, और सेम सी पोर्शन इस साइड में भी रहेगा ना। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है ऑर्थोग्राफिक का वो सिमेट्रिकल होता है, तो ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम रहेगा जो हम लोग को दिखने वाला है ना। और यहाँ पे ये वाला जो रेक्टेंगल है जो ब्लू कलर में हम लोगों ने हाईलाइट किया, ये वाला दिखने वाला है, ठीक है। और इसका टोटल जो लेंथ है ये 42 है, और यहां से यहां तक ये 30 है, मतलब ये जो आगे का एक्सटेंडेड पोर्शन ये 12 है, दिया था ये 12 है, ये 30। तो अभी बैक साइड से हम लोग इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो सब में पहले हम लोग जो ड्रॉ करेंगे टॉप व्यू में वो क्या करेंगे, ये फर्स्ट रेक्टेंगल, ये सेकंड रेक्टेंगल, थर्ड रेक्टेंगल और ये सी पोर्शन है ना, इसको स्टार्ट करना है हम लोग को ड्रॉ करना। तो सबसे पहले ये हम लोग ड्रॉ करेंगे 10 mm, 18 mm और 10 mm के रेक्टेंगल, और इनकी लेंथ, इनकी जो हाइट है वो कितनी है 30 है ना बैक साइड से। चलो सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने प्रोजेक्शन ऑलरेडी ड्रॉ किया, देखो ये वाला जो प्रोजेक्शन है वो 10 mm के हमारे रेक्टेंगल का है, और यहां से वो स्टार्ट होगा, ठीक है। सो यहां से वो स्टार्ट होने वाला है, और यहां से देखो इसका लेंथ कितना है 30 mm, तो यहां से मैं क्या करूंगा 30 mm लेंथ तक लाइन ड्रॉ करूंगा, है ना। और ऐसा इसका विड्थ कितना है 10 mm, हमने प्रोजेक्शन ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे हैं 10 mm तक, है ना। तो देखो यहाँ पे 10 mm के प्रोजेक्शन हम लोग 10 mm तक लेंगे, और इस वाले रेक्टेंगल को कंप्लीट करेंगे। देखो ये वाले रेक्टेंगल को हम लोग क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं यहाँ पे। देखो ड्राफ्टर को मैं प्रॉपरली सेट कर देता हूँ, देखो। सो ये हमारा 10 बाय 30 का फर्स्ट रेक्टेंगल कंप्लीट हुआ है। अभी इसके बाद साथ ही साथ हम लोग को क्या दिखने वाला है, सेकंड रेक्टेंगल भी दिखने वाला है, जो कि हमारा 18 बाय 30 का है। यहाँ पे जैसे हम लोग को दिख रहा है इसका विड्थ कितना है 18 है, और इसका लेंथ कितना है 30 है। अभी दोनों चीजें हम लोग को यहाँ पे मिल चुकी है बाय द प्रोजेक्शन, है ना। सो सिर्फ हम लोग को क्या करना है, इसको डार्क करना। देखो ये वाला है हमारा पोर्शन, यहां से यहां तक ये 18 है, और इसका लेंथ कितना है 30, है ना। तो सिंपल हम लोग को इसको भी साथ ही साथ इसके डार्क कर लेना है बस। देखो यहां तक लाइन आ गई हमारी, इस रेक्टेंगल को हम लोग को डार्क करना है। अभी बचा हमारा लास्ट वाला रेक्टेंगल, जो कि है ये 10 बाय 30 का, इसको भी हम लोग साथ ही साथ ड्रॉ कर लेते हैं। जहां तक प्रोजेक्शन लाइन है देखो ये 10 है, यहां तक है, ये आप मेजर करके भी ले सकते हो, ये 10 यहां तक प्रोजेक्शन लाइंस देख लिए हम लोगों ने, बस उतना ही हम लोग को ऑब्जेक्ट क्या करना है, डार्क करना, ठीक है। तो ये तीन रेक्टेंगल हम लोग को दिखने वाले, ये 1, 2 और 3 ये तीन रेक्टेंगल हम लोग को दिख रहे हैं। अभी इस तीन रेक्टेंगल के बाद हम लोग को क्या दिखने वाला है, ये वाला सी पोर्शन दिखने वाला है ना। अब इसकी जो लेंथ है ये भी सेम है 30 है ना, और इधर से भी एक सी पोर्शन दिखने वाला है, सिमेट्रिकल दो सी पोर्शन दिखेंगे ना। अभी यहां से इधर ये कितना है, ये कितना है टोटल, देखो 18 है, यहाँ पे दिया है हम लोग को, मैंने इसको हाईलाइट किया, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये डायमेंशन कितना 18 है। तो यहां से यहां तक 18 है ना, और यहां से यहां तक भी 18, और ये अंदर ये कितना है 9 mm है ना, और देखो ये वाला कितना है, ये भी 9 mm है ना, ये भी 9 mm ही है, यहाँ पे दिया है हम लोग को, देखो ये 9 mm है ना, मतलब ये भी 9 है। तो यहां से यहां तक ये 9 है और ये 9 है ना, और टोटल 30 हम लोग को पता है, तो 9 9 ये चला जाएगा, तो बीच में कितना बचेगा 12 बचेगा, है ना। तो सिंपल हम लोग को क्या करना है, यहां से इधर कितना लेना है लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है 18 की, फिर ये 9 mm है ना, फिर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन 18 की, फिर ये 9 mm है ना। तो चलो यही ड्रॉ करते हैं सब में पहले।
सो देखो यहाँ से हमारा हॉरिजेंटल लाइन कितना चला जाएगा, यहाँ से हॉरिजेंटल लाइन है हमारा 18 mm का, जो ऑलरेडी हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा बाय दी प्रोजेक्शन, एंड प्रोजेक्शन हम लोगों ने लिए ऊपर से, तो वहां से हम लोग को इसका लेंथ मेजर करके लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रोजेक्शन लाइन तक ड्रॉ करना। अभी अंदर लाइन कितने जाएंगे, यहां से 9 mm, देखो ऊपर कितना है, यहां से 9 mm है ना, तो ये लाइन 9 mm ऊपर जाएगी, और यहां पे भी 9 mm तक हम लोग को ऊपर लाइन ड्रॉ करना है, देखो 9 mm है ना, ऊपर से 9 mm नीचे और नीचे से 9 mm ऊपर है ना। अभी अभी अंदर कितना है, देखो यहां से डीप कितना है, यहां से अंदर कितना गया है, ये हम लोग को यहां पे दिया देखो 12 mm है ना, तो यहां से डीप कितना है 12 mm, तो यहां से 12 mm लेना है, और ये इसको सी पोर्शन को अपने को कंप्लीट करना है। तो यहां से हम लोग अंदर 12 mm तक लाइन लेंगे, इसको भी हम लोग को मेजर करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास प्रोजेक्शन है इसके भी, देखो है ना। तो यहां से 12 mm तक हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे अंदर, और इस रेक्टेंगल को, इस सी शेप को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, देखो यहां पर। सो ये हमारा सी शेप वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है राइट साइड, है ना। ऐसा इस सी पोर्शन हम लोग को इस साइड भी दिखने वाला है, जो एग्जैक्टली सिमेट्रिकल रहेगा। तो सबसे पहले देखो यहां से इतना कितना है 18 mm में, इसको हम लोग को मेजर करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने प्रोजेक्शन लिए, यहां से इतना ही इसका लेंथ रहेगा। तो इस वाले लाइन को हम लोग यहाँ पे डार्क कर लेंगे, सेम वे ऊपर भी हम लोग सेम लाइन को यहाँ पे डार्क करेंगे, है ना। अभी इसका ये जो विड्थ है, ये विड्थ कितना है, ये भी 9 mm है, ये भी 9 mm है, हम लोग को पता है, अभी हम लोगों ने जस्ट ड्रॉ किया है ना। सो यहाँ पे 9 mm तक हम लोग नीचे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ पे भी 9 mm तक हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर, ठीक है। अभी ये अंदर कितना है, इसका स्लॉट हम लोगों को पता है, ये 12 mm है ना, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है ऑब्जेक्ट में, है ना, ऑब्जेक्ट में हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे, ये अंदर तक कितना है 12 mm का स्लॉट है, तो ये अंदर रहेगा 12 mm। तो हम लोग को यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना है बस अंदर 12 mm तक, है ना, और ऑलरेडी प्रोजेक्शन है 12 mm पे यहाँ पे, है ना, तो ये 12 mm की लाइन आ जाएगी, और यहाँ पे भी 12 mm की लाइन हम लोग को यहाँ तक ड्रॉ करना है, और बस इसको डार्क कर लेना। तो यहाँ पे हमारा दोनों सी पोर्शन कंप्लीट हो चुके हैं, अब एक लास्ट पार्ट बचा है हम लोग को, ये वाला रेक्टेंगल हम लोग को ड्रॉ करना है यहाँ पे। देखो अब ये वाला जो रेक्टेंगल है, इसका ये एक्सटेंडेड कितना है, यहाँ से 12 mm, देखो यहाँ से 12 mm बाहर निकलेगा, और इसका विड्थ कितना है, इसका विड्थ निकालने के लिए हम लोग को इसका रेडियस देखना पड़ेगा। देखो बाहर वाले सेमी सर्कल का रेडियस 25 है ना, तो इसका डायमीटर कितना रहेगा 50 है ना, तो इसका विड्थ है 50 और इसका हाइट कितना है 12 है ना। अब इसका विड्थ हम लोग को गिनने की भी जरूरत नहीं, प्रोजेक्शन से हम लोग को मिल जाएगा, है ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसलिए मैंने बताया है ना। सो देखो इसका जो विड्थ है ऊपर प्रोजेक्शन से हम लोग को मिल रहा है, ये वाला विड्थ इतना विड्थ, ये 50 है ना, और इसका जो लेंथ है, इसका जो लेंथ है वो कितना है 12 mm है ना। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, 12 mm यहां से हम लोग 12 mm इसको नीचे ले लेना है, लेंथ इसका सिर्फ इसको एक्सटेंड करना है 12 mm नीचे, है ना, और यहां से 50 mm पे डायरेक्टली यहाँ पे प्रोजेक्शन है हमारे पास, है ना, 50 mm है ना, और ये 12 mm, ओके, इसको हम लोग को डार्क कर लेना है, और इसी तरह से हमारा टॉप व्यू का आउटर बाउंड्री भी कंप्लीट हो चुका है। अभी सिर्फ एक चीज बची है, जो हिडन पोर्शन है उसके लिए डॉटेड लाइंस ड्रॉ करने हैं हम लोग को, है ना। तो देखो अब यहाँ पे हिडन पोर्शन कौन सा है, फ्रंटी में क्या हिडन पार्ट आने वाला है और टॉपी में क्या हिडन पार्ट आने वाला है वो हम लोग देखते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो फ्रंटी में हम लोग यहाँ से देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, है ना। अब जब यहाँ से आप देखोगे ऑब्जेक्ट को, ये सर्कुलर होल दिखेगा, ये स्लॉट दिखेगा, लेकिन यहाँ पे ये जो स्लॉट है 12 mm पे, जो ये स्लॉट है ना, इधर और इधर दोनों साइड में 12 mm पे ये स्लॉट है, ये हम लोग को इधर से दिख रहा है कि हम लोग को सिर्फ ये फेस दिख रहा है, ये स्लॉट नहीं दिख रहा है ना। तो इसलिए इस स्लॉट का यहाँ से 12 mm पे इस स्लॉट के डॉटेड लाइन आएंगे ऐसे, है ना, और इधर भी 12 mm पे डॉटेड लाइन आएंगे सिर्फ इतने पोर्शन, है ना, ये हमारे 12 mm के थिकनेस के पोर्शन में वो लाइन्स आएंगे, है ना। तो वो लाइन्स हम लोग को यहाँ पे शो करना है, देखो ये वाला स्लॉट है ना हमारा, है ना, तो ये वाला स्लॉट देखो यहाँ पे हमारे डॉटेड लाइन आएंगे, है ना, यहाँ पे हम लोग को डॉटेड लाइन बनाना है, और सेम वे इस वाले स्लॉट के, ये इस वाले स्लॉट के डॉटेड लाइन यहाँ पे हम लोग को दिखने वाले हैं, तो ये डॉटेड लाइन हम लोग को बताना है, ठीक है, फ्रंटी में ये आएगा, है ना। अब टॉप व्यू में हम लोग को क्या चीज नहीं दिख रही है ना, देखो इजीली देख के बता सकते हैं हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, तो ये जो सर्कुलर होल है नीचे, ये हम लोग को दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। तो सर्कुलर होल के डॉटेड लाइन आएंगे, ऐसे दो डॉटेड लाइन आएंगे हमारे, है ना, तो ये वर्टिकल डॉटेड लाइन आएंगे दो, जिसका रेडियस कितना है, इसका डायमीटर दिया हम लोग को 26 mm, है ना, तो 26 mm जिसका डायमीटर हम लोग को दिया है इस सर्कुलर होल के हम लोग को डॉटेड लाइन बनाने, जिसकी प्रोजेक्शन लाइन हम लोगों ने ऑलरेडी ली है, बस उसको हम लोग को डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर, थ्रू आउट द लेंथ होल है तो डॉटेड लाइन भी थ्रू आउट द लेंथ हम लोग को बनाना है ना।
टोटल 42 mm के लेंथ तक है ना, और ये प्रोजेक्शन इधर वाले इसको भी हम लोग को डॉटेड में कन्वर्ट करना है, इसको भी हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है ना, और नीचे भी हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि थ्रू आउट द लेंथ है होल है ना। तो देखो इस तरह से डॉटेड लाइन हमारे बन चुके हैं और हमारा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अभी सिर्फ एक ही पार्ट बाकी है जो है डायमेंशन है ना। अब इसके डायमेंशंस देने हैं, डायमेंशंस देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम डायमेंशंस देने की कोशिश करना है, जो डायमेंशन फ्रंट व्यू में दे सकते हो फ्रंट व्यू में दो, जो टॉप व्यू में दे सकते हो टॉप व्यू में दे दो है ना। सारे के सारे डायमेंशन जितने हम लोग को प्रॉब्लम में दिए हैं सारे डायमेंशन आपको देना जरूरी नहीं होता है ना। तो सब में पहले हम लोग सर्कल के डायमेंशन देंगे। सर्कल के डायमेंशन कभी भी जहां पे सर्कुलर पोर्शन दिखता है, जैसे कि यहाँ पे सर्कल फ्रंट व्यू में दिख रहा है, तो सर्कल के डायमेंशन आपको फ्रंट व्यू में ही देना है ना। अब यहाँ पे जो हमारा छोटा वाला सर्कल है अंदर वाला, इसका हम लोग को क्या दिया है, डायमीटर शो किया है, तो आप भी यहाँ पे डायमीटर ही बताओगे। डायमेंशन जब दे रहे हो आप तो तब डायमीटर ही आपको बताना है ना। और डायमेंशंस लाइंस आर मीडियम थिकनेस लाइंस, मीडियम थिकनेस के लाइन रहेंगे, एरोहेड शार्प और पॉइंटेड होने चाहिए, और इसको डायमेंशंस को शो करना है इसी तरह से आपको, जैसे मैं शो कर रहा हूँ। देखो यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है, डायमीटर दिया है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फाइव इज इक्वल्स टू 26। अभी आपको यहाँ पे mm लिखने की जरूरत नहीं है ना, लास्ट में 5 mm के दो लाइंस बना के बीच में आपको नोट लिखना है ऑल डायमेंशंस आर इन mm है ना। अभी सेम वे इसका रेडियस दिया है हम लोग को, आउटर जो बाउंड्री है, आउटर जो सर्कुलर पार्ट है हमारा, उसका रेडियस दिया है। सो इस सेमी सर्कुलर पोर्शन का रेडियस हम लोग को दिया है, तो यहाँ पे भी हम लोग रेडियस ही शो करेंगे है ना। इसका रेडियस हम लोग को दिया है 25 mm है ना, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा R इज इक्वल्स टू 25 ठीक है। और हम लोग को क्या दिया है, और हम लोग को यहाँ पे इसका हाइट दिया है, और हम लोग को यहाँ पे इसका हाइट दिया है ये वाले पोर्शन का है ना। देखो तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से थोड़े से एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे है ना। जो भी ऑब्जेक्ट के डायमेंशन आप दे रहे हो वो नियर अबाउट क्या होने चाहिए, 1 सेंटीमीटर दूर होने चाहिए मेन ऑब्जेक्ट से ना, और जो एक्सटेंशन लाइन है वो एकदम वेरी वेरी थिन लाइंस, बहुत थिन लाइंस होनी चाहिए, जैसे प्रोजेक्शन लाइन होते हैं हमारे वैसे। ये इसका हाइट हम लोग यहाँ पे बता देंगे, ये हाइट कितना है, ये है 12 है ना। अब सेम वे यहाँ पे इसका ऊपर वाला हाइट भी हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे, एकदम फेंट लाइन रहेंगे प्रोजेक्शन लाइन, यहाँ पे हम लोग एरो बताएंगे, और यहाँ पे हम लोग इसका डायमेंशन लिख देंगे 20 ओके। अभी और कौन सा डायमेंशन हम लोग को बताना बाकी है, फ्रंट में ऑलमोस्ट सारे डायमेंशन बताए हम लोगों ने, अभी टॉप के डायमेंशन हम लोग को बताने पड़ेंगे यहाँ के। देख ये जो टॉप के डायमेंशन है 10 और 18 और टोटल 30 है, ये हम लोग को बताना है, ये हम लोग यहीं पे बताएंगे। देखो ठीक है, ये हम लोग ऊपर शो करेंगे डायमेंशन यहाँ पे, सो यहाँ पे हम लोग डायमेंशन लाइन बना देंगे पूरा, और यहाँ पे हम लोग शो करने वाले हैं, ये है हमारा 10 डायमेंशंस, आपको मेन ऑब्जेक्ट से बाहर रखने है, कभी भी 1 सेंटीमीटर दूर रखने की कोशिश करना है, ये 10 है, ये है 18 और ये है 10 है ना। अभी ऊपर स्पेस नहीं है इसलिए मैंने नजदीक लिखा है, आपको उसके बाहर से लिखना है, 1 सेंटीमीटर दूर लिखना है ऑब्जेक्ट के डायमेंशन ठीक है। अभी फ्रंट में हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे डायमेंशन लिख दिए हैं, अब टॉप व्यू की बारी। देखो टॉप व्यू में जो जो डायमेंशन हम लोग को दिखने वाले हैं वो हम लोग को यहाँ पे शो करना है। देखो जैसे कि यहाँ पे हम लोग को ये वाला डायमेंशन दिखेगा, ये कितने का है, ये 9 mm का है ना, और ये नीचे यहाँ पे दिया हम लोग को, इधर का थिकनेस दिया था, ये भी कितना है 9 mm ठीक। सो ये वाला पोर्शन है हमारा 9 mm और ये वाला पोर्शन भी है हमारा 9 mm ठीक। सो डायमेंशंस के जो एरो है वो पॉइंटेड होने चाहिए, फील्ड होने चाहिए है ना, और शार्प होने चाहिए, ये भी 9 mm है और ये भी 9 mm ठीक। और कौन सा डायमेंशन दिया है हम लोग को, और हम लोग को इसका टोटल हाइट दिया है, टोटल कितना है 30 है ना, और ये भी हम लोग को दिया है, ये 12 है, तो ये 12 mm हम लोग को दिया है यहाँ पे। सो इसके एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग यहाँ पे, और ये 12 mm हम लोग को यहाँ पे शो करना है। डायमेंशन लाइन्स आर वेरी वेरी थिन लाइन्स, ये हम लोग को 12 mm का थिकनेस दिया है, और सेम वे यहां से ये हम लोग को 30 mm का हाइट दिया है प्रॉब्लम में, ये हम लोग को बताना है।
इन दिस वे हमारे डायमेंशंस भी हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं, है ना। मैक्सिमम डायमेंशन देने की कोशिश करना है, पूरे डायमेंशन आना ही चाहिए ऐसा कंपलसरी नहीं है। डायमेंशंस कैरीज 2 marks इन द एग्जामिनेशन। ओके, सो इस तरह से हमारा ये वाला प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारा प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।